दोस्तों, शक्ति के कई मायने होते हैं। शक्ति सहनशीलता है, शक्ति वीरता है, शक्ति ज्ञान है और शक्ति विज्ञान है। शक्ति का यही नियम लागू होता है मोटरसाइकिल्स की दुनिया में। ये बात है सन 1998 की, जब रॉस क्लिफोर्ड नाम का एक आदमी रिसर्च कर रहा था क्रूजर्स मोटरसाइकिल में अमेरिका के अंदर। दोस्तों, ये वही समय था जब अमेरिका का बाजार भरा पड़ा था क्रूजर्स से और अमेरिका में दबदबा था हार्ले डेविडसन और होंडा का। लेकिन रॉबर्ट क्लिफोर्ड का एक सपना था, इनका सपना था कि एक ऐसी नायाब बेमिसाल मोटरसाइकिल वो बना के तैयार करें जो कि दुनिया में ना कभी पहले कभी बनी हो ना कभी बने। दोस्तों, सपना काफ़ी बड़ा था, लेकिन सपने में जोश था। बहुत कम लोगों को पता था कि यह व्यक्ति आगे चलकर बनने वाला था ट्रायंफ मोटरसाइकिल्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रोडक्ट लाइन मैनेजर। उस समय अमेरिकन मार्केट को कैप्चर किया हुआ था हार्ले डेविडसन की अल्ट्रा ग्लाइड और होंडा की गोल्ड विंग ने। दोस्तों, सपना काफ़ी बड़ा था और बड़े सपने अगर आप देखते हैं तो उसके पीछे आपको चाहिए बहुत ज़्यादा मेहनत। उसी मेहनत के भरोसे यह वैज्ञानिक सपना देखता रहा और आगे बढ़ता रहा। दोस्तों, दुनिया के दूसरे कोने में जॉन मकेट नाम का एक और शख्स ऐसा ही कुछ सपना देख रहा था कि दुनिया की वो एक ऐसी बेमिसाल नायाब मोटरसाइकिल बना के तैयार करे जो कभी पहले ना बनाई गई हो। दोस्तों, ये वही डिज़ाइनर है जिसने हैस्केथ 1000 रेट्रो बॉनविले टाइगर जैसी मोटरसाइकिल्स को डिज़ाइन किया था। दोस्तों, कुछ दिन बाद रॉस क्लिफोर्ड जब अमेरिका से ब्रिटेन लौटे तो उन्होंने जॉन मकेट को अपना ये आइडिया बताया। दोनों के आइडिया एक थे, दोनों का कार्य अलग था, लेकिन दोनों की मंजिल एक थी। दोस्तों, उन्होंने अपना आइडिया बताया ही था कि तभी उन्हें खबर सुनने को मिली कि यामा ने अपनी 1670 सीसी की रोडस्टर वॉरियर मोटरसाइकिल को दुनिया की मार्केट में लॉन्च कर दिया। ऐसी खबर सुनकर उनका सपना मानो बिखर सा गया था, क्योंकि वो पहले चाह रहे थे कि 1600 सीसी की मोटरसाइकिल को डिजाइन किया जाए। लेकिन अब जैसे ही उन्होंने ये खबर सुनी तो अब उनको पता लगा कि 1600 सीसी की मोटरसाइकिल को बनाने से वो ऐसी नायाब मोटरसाइकिल नहीं बना सकते। तो दोस्तों, उन्होंने अपना प्लान चेंज किया। अब जो नया प्लान था उसमें था 2200 सीसी का इंजन तैयार करना। दोस्तों, जब उनका ये आइडिया फाइनल हो गया कि अब 2200 सीसी की मोटरसाइकिल को बनाने से ही काम चलेगा, तब शुरू होता है डिजाइन एक 3 सिलेंडर इंजन का। दोस्तों, बहुत रिसर्च के बाद 2002 में एक ऐसा इंजन बनकर तैयार हो गया कि उस इंजन की खास बात क्या थी कि उसका टॉर्क कर्व को इस तरीके से डिजाइन किया गया कि हर गियर में उस मोटरसाइकिल का 90% टॉर्क उन्हें 4000 आरपीएम पर मिल जाता था। अब दोस्तों, जो डिजाइनर्स थे, जो वैज्ञानिक लगे हुए थे उसको डिजाइन करने में, उसको बनाने में, उनको काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिल चुकी थी। दोस्तों, काफी मेहनत के बाद 2003 में इस इंजन को तैयार कर लिया गया, इसका प्रोटोटाइप बना लिया गया और इस इंजन को नाम दिया गया रॉकेट। यह इंजन पहली बार दुनिया के सामने आया टेक्सास अमेरिका में। दोस्तों, 2004 में लॉन्च किया गया रॉकेट 3 को, 2006 में लॉन्च किया गया रॉकेट 3 क्लासिक को और 2010 में लॉन्च किया गया रॉकेट 3 रोडस्टर को। मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियां, खरीदने वाले लोग, बेचने वाले लोग ये एक सपना सा देख रहे थे। दोस्तों, इतना टॉर्क किसी मोटरसाइकिल में देना, इसीलिए मैं इसको कह रहा हूं कि एक सपना सा लग रहा था। 167 PS, 165 BHP या फिर 125 किलोवाट आप कहें, 6000 RPM पर एक ऐसी मोटरसाइकिल जो नायाब थी, जो पिछले सदियों तक कोई मोटरसाइकिल नहीं बनी और आगे आने वाले 100-150 सालों तक ऐसी मोटरसाइकिल कोई ना बना सके, यही सपना लेते हुए इस मोटरसाइकिल को बनाया गया। जो 221 न्यूटन मीटर का टॉर्क पूरी दुनिया ने देखा था, मानो बस उसको देखते ही लोग रह जाते थे। अब यह सपना एक हकीकत थी और इस हकीकत को सामना करना था एक बहुत पुरानी मोटरसाइकिल हार्ले डेविडसन के साथ। दोस्तों, टेक्निकल कंपैरिजन के आधार पर हार्ले डेविडसन की फैट बॉय को हमने चुना है रॉकेट 3 रोडस्टर के साथ कंपैरिजन करने के लिए। और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2458 सीसी की इस मोटरसाइकिल के साथ अगर 1745 सीसी की इस मोटरसाइकिल का कंपैरिजन करा जाए तो यह मोटरसाइकिल बोनी साबित होती है इन टर्म्स ऑफ सीसी। दोस्तों, हार्ले डेविडसन जो मोटरसाइकिल है ये अपने टॉर्क के लिए जानी जाती है, लेकिन आपको मैं बता देता हूं 224 न्यूटन मीटर के इस टॉर्क के सामने 144 न्यूटन मीटर का यह टॉर्क स्टैंड ही नहीं करता था। दोस्तों, अगर BHP की बात करी जाए तो रॉकेट रोडस्टर 148 BHP में आती है और वहीं फैट बॉय की अगर बात करें
तो मात्र 65 BHP। तो BHP में भी इसका इसके साथ कोई मुकाबला नहीं है। जैसा कि ट्रायंफ रोडस्टर 3 रॉकेट 3 सबसे बड़ा इसका इंजन था, तो इसको ठंडा करने के लिए वाटर कूल टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया। वहीं अगर फैट बॉय की बात करी जाए तो इसको ठंडा करने के लिए एयर कूल्ड सिस्टम का यूज़ किया जाता है। फ्यूल टैंक की अगर बात करी जाए तो 19 लीटर का हार्ले डेविडसन फैट बॉय यूज़ करती है, और वहीं ट्रायंफ हमारा 24 लीटर का मैसिव जायंट फ्यूल टैंक यूज़ करती है। वहीं अगर एवरेज की बात करी जाए, माइलेज की बात करी जाए, तो दोनों ही मोटरसाइकिल 15 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देती है। इस बात से यह समझ में आता है कि यह इंजन काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू फैट बॉय, क्योंकि इसकी सीसी, इसकी बीएचपी, इसकी पावर फैट बॉय के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। उसके बावजूद इसकी एवरेज, इसकी माइलेज दोनों के बराबर होती है। ट्रायंफ का वजन अगर देखा जाए तो 291 किलो, वहीं अगर हार्ले डेविडसन फैट बॉय का वजन देखा जाए तो 305 किलो। तो वजन में हमारी हार्ले डेविडसन फैट बॉय थोड़ी सी इससे ज़्यादा है, लेकिन अगर लेंथ की अगर हम बात करी जाए तो 125 mm ट्रायंफ रोडस्टर 3 फैट बॉय से लंबी है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो ट्रायंफ में मिलती है हमें 140 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, वहीं अगर फैट बॉय की बात करें तो मात्र 115 क्लियरेंस हमें मिलती है ग्राउंड की, जिसकी वजह से ये बाइक ब्रेकर्स पे काफ़ी टकराती है। इंडियन रोड्स पे इस मोटरसाइकिल को ज़्यादा कामयाबी मिलती है। आइए अब हम बात करते हैं कीमत के बारे में। रॉकेट 3 रोडस्टर की कीमत है लगभग 24 लाख रुपये, और अगर फैट बॉय की बात करें तो ये इसकी कीमत है 20 लाख रुपये। तो 4 लाख आपको एक्स्ट्रा देने होते हैं अगर इस जायंट मशीन को अपने घर लेके आना है। तो दोनों के कंपैरिजन के बाद अगर हम फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो देखिए, अगर आपको थ्रॉटल स्पीड और पावर ज़्यादा पसंद है तो आप खरीदें रॉकेट रोडस्टर 3, लेकिन अगर आपको एलिगेंस, प्राइड और कंफर्ट को जो आप ज़्यादा तवज्जो देते हैं तो आप खरीदें हार्ले डेविडसन फैट बॉय। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने किन्हीं दो मोटरसाइकिल को लेके, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सी वो दो मोटरसाइकिल आप चाहते हैं जिनका कंपैरिजन किया जाए। आपके कमेंट सेक्शन के आधार पे मैं वो मोटरसाइकिल की वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मैं अमित लांबा आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।